अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे सैंडविच। इसके लिए मैंने ब्रेड ली, कटी हुई ककड़ी, कटे हुए टमाटर, उबले हुए आलू, कटे हुए प्याज, हरी चटनी के लिए लहसुन, पुदीना, कोतम्बीर, हरी मिर्च, बटर, टमाटो सॉस। हरी चटनी के लिए मैंने पुदीना, कोतम्बीर, हरी मिर्च, लहसुन इसे अच्छी तरह धोकर मिक्सर के पॉट में और थोड़ा नमक डालकर इसका चटनी बना लेंगे बारीक इस तरह से। ब्रेड के स्लाइस को चार तरफ से कट कर को लेने का और इसे हरी चटनी लगा कर लेने का। उसके ऊपर कटे हुए प्याज का एक लेयर, और उबले हुए आलू का एक लेयर लगाने का। तो मैं इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं, इसके ऊपर काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। दूसरा स्लाइस रखूँ ब्रेड का, उसके ऊपर टमाटो सॉस लगाने लगूँ। कटे टमाटर रखने का ऊपर ब्रेड पर, और कटे हुई ककड़ी भी रखने का। दूसरा भी ब्रेड का स्लाइस में ही रखी हूँ। गैस पर मैं तवा रखूँ, उस पर मैं बटर मेल्ट कर को लेने लगूँ। और ये बने हुए सैंडविच दोनों तरफ से रोस्ट कर को लेने का इस तरह से। आसान है ये रेसिपी, झटपट बनने वाली, ज़रूर ट्राई करो। दोनों तरफ से बटर लगा को क्रिस्पी होते हैं सेकने से, तरह से दोनों बीच में से कट करने का। बन गया सैंडविच, ट्राई करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो।